नमस्कार, जयराम जी के, हम शिवांगी तिवारी और आप देख रहे हैं आपको अपना चैनल बुंदेलखंड चुप। आओ आज के जो खास खबर पे विस्तार से चर्चा करें। ऑक्सीजन की मांग बढ़ी, ऑक्सीजन की कमी से चार मौतें हैं, मंत्री बोले प्लांट में 3 सप्ताह लगे। छतरपुर जिला में संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, जिला अस्पताल में कोरोना इलाज के लाने भर्ती मरीजों की संख्या 240 पहुंच गई, इनमें से ज्यादातर मरीजों का ऑक्सीजन की आवश्यकता है। इस कारण ऑक्सीजन की मांग बढ़ के 400 जंबो सिलेंडर प्रतिदिन तक पहुंच गई है, लेकिन बुधवार का 250 सिलेंडर जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर जिला अस्पताल का मिले और आपूर्ति का तत्काल दोगुना कर वो जरूरी है, लेकिन तत्काल आपूर्ति बढ़ावे के नाने प्रशासन का उपाय कर रहा है, इको जवाब जिला के प्रभारी मंत्री और खनिज मंत्री ब्रजेंद्र सिंह भी नहीं दे सके। छतरपुर का मिले 85 रेमडेसिविर इंजेक्शन, जिला आपदा प्रबंधन समिति और जिलाधिकारियों की कोरोना आपदा स्थिति की समीक्षा बैठक हुई। प्रदेश के खनिज मंत्री ब्रजेंद्र सिंह ने बुधवार का कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला आपदा प्रबंधन समिति और जिलाधिकारियों के संग छतरपुर जिला में कोरोना आपदा स्थिति की समीक्षा करी। बैठक में बताया गया है कि शासन द्वारा भेजे गए 85 रेमडेसिविर इंजेक्शन प्राप्त हो चुके हैं और ने कही है कि रोग की प्राथमिकता तय करत बैगी रेमडेसिविर इंजेक्शन दो जाए। खजराव में पुलिस की कार्रवाई, शादी के नाम पे पैसा ऐठती गिरोह, युवक से 1,20,000 रुपया लाए, पुलिस ने 4 आरोपियों को दबोच। राजनगर थाना पुलिस ने शादी करवावे के नाम पे 1,20,000 रुपया की ठगी करने वाले गिरोह की 3 महिलाओं सहित 4 लोगों का गिरफ्तार कर जेल भेज दो। राजनगर थाना प्रभारी पंकज शर्मा ने बताया कि थाना क्षेत्र के ग्राम प्रतापपुरा के एक युवक की शादी करवावे के नाम पे उत्तर प्रदेश के करवी जिला चित्रकूट की 3 महिलाएं और एक युवक ने एडवांस में 1,20,000 रुपया लिए थे। ग्रामीणों ने गांव की सीमा का खुद कर दो शील, गुलाट गांव के लोगों ने बाहर नहीं जावे को लो संकल्प, जांच के बाद मिले हैं अंदर प्रवेश। तेजी से बढ़ रही कोरोना संक्रमण की रफ्तार का रोक में खिलाने बजावट क्षेत्र के गुलाट गांव के जागरूक ग्रामीणों ने अनूठो प्रयास करो है। ग्रामीणों ने गांव से बाहर न निकलने की जिम्मेदारी स्वयं ली है और इसके तहत ग्रामीणों ने गांव के सभी प्रमुख पहुंच मार्ग पे लकड़ी और बांस से बैरिकेड कर दी है। बैरिकेड में मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी स्लोगन लिखो है और तख्तियां भी लगाई। बक्सवा में सीसी रोड खोद डालो, पाइपलाइन बिछावे के लाने खोद दी 14 करोड़ की सीसी सड़क, 3 साल से ऐसे ही डरी। नल जल योजना के लाने पाइपलाइन बिछावे के लाने 3 साल पहले नगर की गलियन में खोदे गए सीसी रोड आज भी खुदे पड़े। इन 3 साल में खुदे पड़े सीसी रोड में आए दिन दुर्घटना भी हो रही है और इसके बावजूद जिम्मेदारों ने आज तक इन्हें दुरुस्त नहीं करा। इस समस्या का लेके नगरवासी खासी हालाकान है। बक्सवा नगर में जल संकट के स्थायी समाधान के लाने 3 साल पहले 13 करोड़ की नल जल योजना स्वीकृत भई थी। जागरूकता अभियान, वॉलंटियर घर घर जाके और दीवार लेखन करके कोरोना संक्रमण से बचाव के लाने कर रहे हैं जागरूक। मैं भी कोरोना वॉलंटियर अभियान के तहत छतरपुर जिला में लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और ये अभियान में वॉलंटियर्स कोरोना संक्रमण के प्रभावी रोकथाम के लाने लोगों का घर में रहवे, मास्क लगावे और गाइडलाइन का सतर्कता से पालन और मास्क नहीं तो बातचीत भी नहीं, मास्क नहीं तो गृहस्थी को सामान भी नहीं के लाने समझाइश दे रहे। खजुराहो में कार्यक्रम, डॉक्टर कुमार बोले राम राज की कल्पना राष्ट्र प्रेम अनुशासन वैदिक योग से ही संभव है। श्री राम नवमी के उपलक्ष्य में अनेक संगठन ने कोरोना गाइडलाइन को पालन करत भय भगवान श्री राम को जन्मोत्सव मनाओ, कोरोना कर्फ्यू का देखत भय सहज और सादगी से सोशल डिस्टेंस को पालन करत भय। विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी, गाइड एसोसिएशन, खजुराहो डेवलपमेंट एसोसिएशन, परिवर्तन एनजीओ, हाई राइज फिटनेस सेंटर, बुंदेलखंड विकास निधि बैंक आदि के सदस्य ने सुंदरकांड एवं हनुमान चालीसा को पाठ करो। धर्म समाज श्री राम जन्मोत्सव पे मंदिर में पुजारियों ने करी है पूजन, सबकी प्रार्थना कोरोना इस दुनिया से चलो जाए। सागर जिला से बड़ी खबर, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मोत्सव पे बुधवार का मंदिर में सिर्फ पुजारियों ने पूजन करो। शहर में सवेरे से ही मंदिर में भगवान श्री राम को गंगा नर्मदा नदियों के जल, दूध, दही और सहज से अभिषेक और विशेष श्रृंगार कर गाओ, नए पोशाक और आभूषण पहनाए गए और इसके बाद दोपहर में भोग आरती कर घर घर जाके लोगों का प्रसाद वितरण करूंगा। पुजारियों ने पूजन के बाद भगवान श्री राम से कोरोना महामारी का खत्म करने की प्रार्थना करी और लोगों की महामारी से रक्षा करने की दुआ मांगी। शाम के समय मंदिर के बाहर दिया भी जलाए गए। घटिया क्वालिटी के राशन बांटने के मामला में लीपा पोती, नवंबर में आवंटित चावल को स्टॉक अप्रैल में बांट रहे थे, जांच में लिखो पूर्व पत्रवाई। सागर जिला से एक और बड़ी खबर, राशन दुकानों में खराब और घटिया क्वालिटी को चावल बांटे जाने के खुलासे के बाद बुधवार का खाद्य विभाग की टीम तीनों राशन दुकानों पर जांच करने पहुंची। कलेक्टर दीपक सिंह ने जिला आपूर्ति नियंत्रक राजेंद्र बाइकर का जांच करने के लिए निर्देश दिए। खाद्य विभाग से कनिष्ठ आपूर्ति नियंत्रक
ब्रजेश कुमार जाटव टीम के संगे मोहन नगर, संत कबीर और मोती नगर बाट की राशन दुकानों पर जांच करने पहुंचे, लेकिन तीन में से दो दुकानों पर टीम का चावल को स्टॉक नहीं मिलो, सिर्फ संत कबीर बाट की दुकान पर ही चावल मिलो। कोरोना काल में विकास को सेतु बन के तैयार, लक्ष्मी नगर ओवरब्रिज थ्रू हैवी ट्रैफिक अब ए से निकल रहा है। मकरोनिया से लिधौरा के बीच थर्ड लाइन के ट्रैक का तैयार करने के बाद अब लक्ष्मी नगर ओवरब्रिज को काम भी पूरा हो चुका है। ब्रिज से दोनों ओर अप्रोच रोड को डमरीकरण कर जा चुका है और जिसे बसंत की आवाजाही शुरू हो गई है। फिलहाल ये ब्रिज के लोकार्पण की तैयारी करी जा रही थी, लेकिन कोरोना के चलते मामला टल गया है। लक्ष्मीनगर को जो पुराना ओवर ब्रिज तो जी की तीसरी लाइन के हिसाब से डेवलप करोगे। एमपी में ऑक्सीजन सिलेंडर की लूटमार, उपचुनाव वाले दमोह में सरकार ने ऑक्सीजन भिजवाई, रात में सिलेंडर उठा ले गए मरीज के परिजन। उपचुनाव वाले दमोह में मंगलवार रात सरकार ने जिला अस्पताल में ऑक्सीजन पहुंचाई, ऑक्सीजन पहुंचते ही मरीजों के परिजन जो है भी सिलेंडर की लूटमार शुरू कर दे। एक एक सिलेंडर की जगह लोग दो दो सिलेंडर उठा के भागने लगे। स्टाफ ने जब सिलेंडर वापस मांगे तो परिजन बदतमीजी पर उतर आए। हालात इतने बिगड़े कि पुलिस बुलवाने पड़े। खास और फटाफट खबर के नाम बुंदेलखंड चुपल पिछवांगी तिवारी के साथ लगातार बने रहे। जयराम जी की।